हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रियंका सिंह फ्रॉम पैरामाउंट पटना। सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है और इसके रिगार्डिंग ये कुछ आपको मैं बताने आई हूँ। स्टूडेंट्स के बीच में इस नोटिफिकेशन को लेके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन है भी और बहुत सारे मतलब बता स्टूडेंट डर भी रहे हैं कि प्री का क्या होगा, मेंस का क्या होगा, कैसे क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न को लेके कन्फ्यूजन है सारे बच्चों में। तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं बदला है जिससे कि आपको घबराने की ज़रूरत है। प्री और मेंस, जहाँ तक पहले आप प्री की तैयारी करते थे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, ये चारों सब्जेक्ट पढ़ते थे और आपका जो फोकस रहता था मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा रहता था, क्योंकि आपको पता रहता था कि मेंस में हमको मैथ्स और इंग्लिश से का एग्ज़ाम देना है फिर से, और जीएस और रीजनिंग जो है प्री तक ही सीमित है और हमको इसमें अच्छा स्कोर ला के आगे मैथ और इंग्लिश ही पढ़ना है। तो अब चेंजेज क्या हो गया है आपको इस बार कि आपको फोकस करना है चारों सब्जेक्ट पे, आपको प्री में भी मेंस की ही तैयारी करनी है। मेंस की तैयारी को अगर आप करिएगा तो आपका प्री खुद ब खुद आपका निकल जाएगा। और इस बार जो है प्री में आपको कोई ऐसा नहीं है कि स्कोर करना है, प्री क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है प्री और आगे बढ़ जाना है। और आपको फिर मेंस की तैयारी तो आप शुरू से करते ही आ रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि हमको प्री क्वालिफाई करके तब फिर मेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि उतना टाइम दोनों के बीच में नहीं रहता है क्या कि आप इसको प्री का तैयारी करके फिर मेंस की तैयारी करें। प्री की तैयारी के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है और रिवीजन करनी होती है। रिवीजन इसलिए मैं बोली, प्रैक्टिस पहले करनी होती थी क्योंकि सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश रहता था, अब इस बार जो है आपको रिवीजन क्यों करना होगा कि मैथ्स और इंग्लिश की प्रैक्टिस के साथ साथ जीएस का और रीजनिंग, जीएस का रिवीजन करना है और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। साथ में आपको इसमें एक और ऐड हो गया कंप्यूटर, कोई आप इसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि कंप्यूटर नॉर्मल, आपको कंप्यूटर का नॉलेज सभी को होता है और वही आपको थोड़ा उसको एग्ज़ाम देना है, जो आपका नॉलेज है सिर्फ उसको आपको एग्ज़ाम के रूप में लिया जाएगा। कंप्यूटर भी जो है वो भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही है, उसमें भी सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और मार्क्स जो आपका मेरिट लिस्ट जो होगा मेंस का, जो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस होगा 390, उसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आपको फुल फोकस करना है मेंस के लिए। परसेंटेज वाइज देखें तो मैथ्स 23%, इंग्लिश 35%, रीजनिंग 23% एंड जीए 19%। मेंस में निगेटिव मार्क 1/3 है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर कटेगा। और ये आपको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए किया गया है, इसलिए नहीं किया गया है कि आपका क्वेश्चन जो है वो टफ होगा। इससे ये नहीं समझना है कि क्वेश्चन टफ होगा, या आप जीए जीएस का भी जो तैयारी करिएगा तो मेंस में अगर जीए जीएस जीए मतलब ऐड हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको यूपीएससी का जीए पूछा जाएगा या यूपीएससी लेवल का तैयारी करना होगा। आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से तैयारी करिए, आप अपने स्टडी पे फोकस करिए और जैसे आप प्री में पढ़ते थे उसी तरह पढ़िए, लेकिन सारे सब्जेक्ट को 100% अपना दीजिए, फोकस करिए और अच्छे से पढ़िएगा तो क्वालिफाई करिएगा ही। सबसे बड़ी नई बात क्या है आपको बता दूं कि जब भी कोई चेंजेज होते हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं, इसलिए क्योंकि आपका जो ये चेंजेज होता है तो आपको हर चीज़ें आसान होती हैं। स्टार्टिंग में जो अभी जो आपको क्वेश्चन आएगा, आप जितना ज़्यादा आप डरे हुए हैं वैसा कुछ नहीं होगा। अभी हर बार जो अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा यही कहता है कि जब भी कोई सिलेबस चेंज होता है या पैटर्न चेंज होता है तो फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम होता है वो नॉर्मल होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो टफ या सिचुएशन के मुताबिक होता है। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि आपको 20,000 वैकेंसी आई है, 20,000, जो कि आज तक हम अभी तक तो नहीं सुने थे कि 20,000 वैकेंसी, ना कभी देखे थे। बहुत हुआ तो मैक्सिमम 13,000, 12,000, 13,000, 14,000, 20,000 वैकेंसी सीजीएल का कभी नहीं आया था। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, उनको सिर्फ यही करना है कि मैथ इंग्लिश तो
कर ही रहे हैं, सिर्फ जीएस और रीजनिंग, रीजनिंग भी पढ़ ही रहे हैं, तो आपको जीएस और रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। मेरा जो एक मूल मंत्र है वो याद रखिए, आपको तैयारी मेंस का करना है, मेंस का तैयारी करिएगा, प्री अपने आप क्वालिफाई होगा ही। और कंप्यूटर है, कंप्यूटर पहले भी आपको कुछ पोस्ट के लिए सीपीटी होता था, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो अब जो है आपको सबको देना है, यही हो गया। इससे क्या होगा कि देखिए, आप जब ऑफिसर बनिएगा तो आपको कंप्यूटर का, इसका मेन मकसद यही है कि आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अब हर हर चीज़ जो है टेक्निकल हो गया है, कंप्यूटर हर किसी को जानना ज़रूरी है, इसीलिए आपको कंप्यूटर ऐड किया गया है, मेरे हिसाब से इसलिए ऐड किया गया है, और इसीलिए इसको सिर्फ क्वालिफाइंग ही रखा गया है, क्वालिफाई नेचर का रखा गया है, ताकि आपको नॉलेज हो और आप उससे को क्वालिफाई करिए। मेन मेरिट लिस्ट आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश से ही होने वाला है, जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी आपको वही पढ़ना है। अंतर है कि जीएस रीजनिंग को हटाना नहीं है, साथ में लेकर चलना है, इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि आपको घबराने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है। तैयारी करिए और अपने पारामाउंट बोरिंग रोड पटना नया टोला ब्रांच हमारा है, आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं और बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देंगे। आप लोग जुड़िए और अपने सफलता को सही मुकाम दीजिए, इसके लिए हम आपके लिए हमेशा हैं, थे और हैं और रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स।